मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे शख्स से जिनके पास बहुत ही महंगे तोते हैं, तो जानते हैं उनके पास कितने महंगे तोते हैं, उनको क्या खिलाते हैं और कितने सामने तोते हैं। नाम बताओ, नाम कौन है? सब्जी का काम जब मैंने शुरू करा था तो मेरी 11 रुपए दिहाड़ी थी, अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4-5 बंदे खुद काम करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल आफ्ताब। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं कराची आई हूँ, मैंने सोचा क्यों ना कराची की हर मार्केट और हर किस्म के लोगों से मिला जाए, तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे शख्स से जिनके पास बहुत ही महंगे तोते हैं, तो जानते हैं उनके पास कितने महंगे तोते हैं, वो उनको क्या खिलाते हैं और कितने सामने तोते हैं, तो आइए मिलते हैं उनसे। मुझे ये बताएं कि कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? ये हो गए कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो जी। अच्छा, ये शौक कैसे पड़ा आपको 15 साल, मतलब और भी कोई काम है लेकिन परिंदों का ही क्यों? बस ये शौक में ही आया हूँ मैं, तो पहले वेजिटेबल का काम करता था, सब्जी का। अच्छा, सब्जी का काम दिहाड़ी पे जी। तो ये तोते मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, हाँ, तो इसमें मैं शौक में आ गया हूँ, फिर अल्लाह का शौक। आपके पास हर किस्म का तोता? हर किस्म का जी, हर किस्म जी। सबसे महंगा तोता आपकी दुकान पे कौन सा? सबसे ये महंगा वाला ये रहा बिल्कुल, ये कितने का है? मालाकंड का कटु है ये 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख जी। इतना महंगा होने की वजह क्या है? बस खूबसूरती यही है ना, खूबसूरती यही है। खूबसूरती है और लोग खरीदते भी हैं। लोग खरीदते हैं। कितनी इकसाम पड़ी हुई है तोते? तोतों की तो 5-6 वैरायटी है। 5-6 वैरायटी जी। और 5-6 वैरायटी के रेट अगर बताए जाए, जैसे कि आपने बता दिया 3.5 लाख का है। हाँ, इसमें ये देखो एक। अच्छा, एक वो नीचे है। ये 1 लाख रुपए का है। ये 1 लाख? 1 लाख का है। उसके अलावा इसमें एक ये पड़ा हुआ है मीडियम सल्फर, देखे आप। ये कितने का है? ये 180 का है। 1,80,000 रुपए का। ये 1,80,000 का जी। और अगर कम किया जाए, कितना कम कर लेते हैं? 5-10 हज़ार कम हो जाते हैं। 5-10 हज़ार कम कर लेते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि बोलने वाला तोता आपके पास है? बोलने वाला मिल जाएगा, देसी तोता। अच्छा, बोलने वाला देसी तोता जी, जरा उससे मिलवा दें। अच्छा, क्या क्या बोलते सर? मिठू मिठू बेटे, कौन है, क्या हुआ, मिठू को रोटी दे दो, एक और है ये भी सुनवा दे दो। अच्छा, आ जाए आ जाए। मिठू बेटे, मिठू बेटे, नाम बताओ, नाम कौन है? मिठू बेटे, अस्सलाम वालेकुम। मिठू बेटे, मिठू बेटे बोल, मिठू बेटे कौन है, क्या हुआ, बहुत अच्छा बोलता हुआ है। सर, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि वो 3.5 लाख का तोता है, तो वो खाता भी कुछ अलग ही होगा या जैसे आम परिंदे खाते हैं? खाना खाता है, वेजिटेबल है, लौकी डाल दे, टिंडा डाल दे, सेब डालते हैं हम लोग। सेब भी डालते जी, सेब भी डालते हैं। किसी को कोई आपके पास ऐसा तोता हो जिसे बादाम शदाम या कुछ खास चीजें खिलाती जाए? सर, कस्टमर बादाम भी खिलाते हैं, जो ले जाते बादाम भी जी, बादाम भी खाते हैं, इनको आप बादाम डाल दे, एक दाना तोता ने खाते बादाम भी खिलाते जी। अच्छा, मुझे बताए कि जिस तरह की मैंने ये देखा ये रेड कलर का, तो क्या नाम है इसका? रेड मोलाकन लोरी। अच्छा, तो ये दोनों इनके जो पाँव में एक रिंग है, मेल फीमेल है, इनका मेल फीमेल है, डीएनए हुआ जी। और ये कितने की जोड़ी है? ये 1,30,000 रुपए की। 1,30,000। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मैंने काफी तोतों में देखा है कि उनके पाँव पे ना एक रिंग पड़ी है। रिंग जो इसलिए डाला जाता है कि ये छोटा बच्चा जब निकलता है ना, तो हम लोग रिंग डाल देते हैं निशानी के लिए, कि लोकल ब्रीड है यहाँ का। अच्छा जी, मतलब ये पाकिस्तान का जी। ये मकाओ का बच्चा है, ये मकाओ का बच्चा है। और ये कितने का है? ये 2 लाख रुपए का है। 2 लाख का भी बच्चा जी। तो आप इसको बड़ा कैसे? अंडे में से निकला था, मेरे ख्याल 20 दिन का बच्चा था जो हमने खुद पाला है ये बच्चा। और अभी ये कितने दिन हो गए इसको? 3 महीने का है। 3 महीने का बच्चा है ये। 3 महीने का बच्चा? 3 महीने का है। 1 महीने के बाद ये खुद सेल्फ फेड हो जाएगा, खुद खाएगा पिएगा। अभी इसको 2 टाइम हम लोग इसको फीड देते हैं। मुझे बड़ी यूनिक चीज लग रही है, तो ये क्या है? ये बांग्लादेश की मैना है। मैना जी। अच्छा, ये मैना का रंग काला क्यों है? ये है ही काली, बांग्लादेश की होती है और ये बहुत अच्छा बोलती है। बांग्लादेश की इसीलिए काली है जी। अच्छा, बहुत अच्छा बोलती है, क्या क्या बोलती है? सिखाना पड़ता है इसको, बहुत कलमा भी पड़ती है, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, क्या। कितनी देर होगी इसे लाए? ये तो अभी हमने लिए कम से कम महीना हो गया हमारे पास। कितने का है ये? मिलेगा आपको 70,000 रुपए में। 70
सत्तर हजार रुपए के। नाजरीन यहाँ पे तो हजारों में और लाखों में बातें हो रही हैं। कितना मुनाफा आप कमा लेते? मुनाफा तो काफी है, सही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खासा है, नहीं पैसे ना बताए पर ये कि अच्छा खासा। अच्छा सही है, सांस वाली चीज है, इसमें मरना जीना भी होता है। ये देखो ना, ये 70,000 का है, 65 का है, कोई बीमार भी हो जाता है, मर जाता है, ये वो, इसमें सब चीज मतलब लॉस भी काफी है और प्रॉफिट भी काफी। सही है, बस हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि काफी है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। अच्छा सब्जी बेहतर थी कि ये? ये बेहतर है, ये बेहतर है। बस आप नाजरीन स्माइल से चेक कर सकते हैं कि वो कितने मुस्कुराए। काम जब मैंने शुरू करा था तो मेरी 11 रुपए दिहाड़ी थी रोज की, 11 रुपए, 10 रुपए मिलते थे। और अगर आज की दिहाड़ी लगाई जाए? चलिए एक बता दे। अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास 4-5 बंदे खुद काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, मतलब दिहाड़ी बतेरी है। हाँ अच्छा, जो बंदे काम करते हैं उनकी दिहाड़ी बता दे, उनको कितनी दे? उनको किसी को 15,000 देता हूँ, किसी को 20,000 देता हूँ। बस हमें आइडिया हो गया कि लाखों में कमा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इस वक्त मैं काफी खौफजदा हूँ क्योंकि ये मालाकंद काका टो मेरे कंधे पे बैठे हुए हैं और इनकी कीमत सबसे ज्यादा है और 3.5 लाख रुपए इनकी कीमत है। और आज हमने इनसे बात की, आज हमने इनसे बात की और ये मेरे इयररिंग्स के साथ गहरे हैं और मुझे लग रहा है ये मुझे कभी भी काट देंगे। तो नाज़रीन मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए लोगों के साथ। खुदा हाफिज़।